बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बागडेल डॉट कॉम डॉट पी के। व्यूअर्स, इंटरनेट पे जो है काफ़ी सारी फ़ोटोज़ जो है वो गर्दिश कर रही हैं कि सुजुकी और होंडा के जो है वो काफ़ी सारा स्टॉक खड़ा जो कि सेल नहीं हो रहा, मुख्तलिफ ग्रुप्स में धड़ाधड़ शेयर हो रहा है। बट इसमें देखें, कोई किसी पर मैं ये मानता हूँ कि ये जो हालात चल रहे हैं ऑटो इंडस्ट्री के लिहाज से, उसके लिहाज से ये बात जो है वो इसके तराजू को बराबर रखती है। मगर जहाँ तक मेरा एक अपना एनालिसिस है कि एज़ पर जब भी गाड़ियाँ सेल हो रही होती हैं, रनिंग स्टॉक के अंदर या ऑन डिमांड होती हैं, तब भी गाड़ियाँ इतनी ही बन के उनके वेयर हाउसेज में, उनके ओपन एरिया में खड़ी होती हैं। ये नहीं होता कि एक शोरूम को 10 गाड़ियाँ चाहिए तो 10 गाड़ियाँ तैयार करेंगे, अगला ऑर्डर आएगा तो आपको मिलेंगी। देखिए, 168 to 200 के करीब जो है वो सुजुकी की डीलरशिप है पूरे पाकिस्तान के अंदर। इसी तरह होंडा के भी इससे ऊपर नीचे मिलते जुलते हैं, टोयोटा के भी जो है वो शोरूम कैटेगरी काउंटिंग अगर देखा जाए तो मिलती जुलती है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये तस्वीरें सही हो रही हैं तो मैं मानता हूँ ये बात सच है, क्योंकि गाड़ियाँ बिक नहीं रही। मगर अगर यहाँ पे लोगों के हम अवेयरनेस देखें, वो कह रहे हैं बाय वन गेट वन फ्री, यूँ कर लो यूँ कर लो। देखें, हम अगर अपने आप को हम चेंज करें, मीन हमारे यहाँ अगर मैं भावलपुर से बात करूँ तो यहाँ पर इंडस्ट्री नहीं है कोई भी, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ दो मोटरसाइकिल कंपनी, एक रोही मोटरसाइकिल है, उसके बाद सतलुज वो है मोटरसाइकिल कंपनी, इंडस्ट्री नहीं है, बिजनेस नहीं है। बट यहाँ पे हर किस्म की सर्विसेज ज़रूर मिलती है, मीन आपके पास स्कूल है, यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, फिर हॉस्पिटल हैं, उसके बाद फिर ब्रांड्स हैं कि वो यहाँ पे लोग आते हैं जो कि बाहर के रहने, जो स्टडी करने आ रहे हैं वो अपना वहीं खाते थे। मीन यह एक किस्म का जो है आपकी आपके पास एक ऐसा सिटी है जहाँ पर आप रह के अपने पैसे लगा सकते हो, पढ़ाई पे खर्च, इलाज पे, खरीदारी पे, या अपने बच्चों को या कोई कॉलेज स्कूल टाइप ना लें। मगर यहाँ इंडस्ट्री नहीं है। जिस मुल्क में इंडस्ट्रियाँ कम होती हैं वहाँ पे जो है वो आपके हालात इस तरह होते होंगे। मैं कोई इकोनॉमी जो है वो मैं ज़्यादा नहीं पढ़ी हुई, ना मुझे इकोनॉमिक्स इतनी आती है। बट जो एक पर्सनल एनालिसिस है वो यही है कि अगर गाड़ियाँ खड़ी हैं तो उसको एक आप मजाक के तर्ज पर आप शेयर कर रहे हैं, ठीक है, करें, यह एहसास दिलाना भी अच्छी बात है। तो जहाँ तक पिक्चर्स का ताल्लुक है, तो वहाँ पे जो मेरी टोयोटा से, सुजुकी से और होंडा से टेलीफोनिक इनसे कम्युनिकेशन हुई थी, उनसे मैंने पूछा कि यार ये क्या इनके हक आएंगे। कहते देखें भाई, गाड़ियाँ बन के तब खड़ी हैं जब हम यहाँ से बुकिंग ऑर्डर तो देंगे तब भी बनेगी ना। आखिर किसी के नाम पर लेटर्स जारी होते हैं, DD बनता है तो एक फैक्ट्री जो है उसकी गाड़ी प्लांट शुरू करता है, या डीलरशिप एलोकेशन कोटा मंगवाता है तो ही डीलरशिप नाम कहता है। जब हमारे से सेल ही नहीं हो रही, हमसे पर्सनल कोई कस्टमर भी बुकिंग नहीं कर रहा, हमारी अपने शोरूम का एलोकेशन कोटा भी नहीं निकल रहा, तो फैक्ट्रियाँ क्यों बनाएंगी, ठीक है। जो पहले का स्टॉक बन रहा था वो खड़ा है, बट उन पर FADs लगी जिनकी गाड़ियाँ डिले हुई थी वो वहीं खड़ी हैं। जहाँ तक FAD का ताल्लुक है, कुछ लोगों को जहाँ पर 4-4, 6-6 लाख रुपये FADs बनने पड़े थे, तो शोरूम और इनकी इनकी जो फैक्ट्रीज़ की पॉलिसीज़ के अंदर एक एग्रीमेंट साइन हुआ था कि यार जहाँ पे 5 लाख FAD बनती वहाँ से 2.5 लाख ले लो, जहाँ 6 लाख बनती वहाँ 3 लाख ले लो, ताकि जो कस्टमर का एकदम जो चीख निकल रही थी वो ज़रा कम हो जाए। मैं तब तक आवाज़ उठाता रहूँगा कि FAD को वापस किया जाए और रेट्स को कम किया जाए, ताकि मैं, आप और हमारे आने वाले जो जितनी भी आगे नस्ल है, या हमारे जो बड़े हैं जो पैसा जोड़ के बैठे थे कि हम अपने बच्चे या बेटी को गाड़ी लेके देंगे या हमने लेनी है, या इस तरह वो अब हालात के हमारे नहीं ले सकते। मीन जैसे कि होंडा सिटी जो कि 2009 से मेरे ख्याल 10-12 लाख के स्टार्ट थी, आज वो 23-24 लाख की पड़ गई है, वही शेप वही कुछ, मुझे भी 24 लाख की ही पड़ी है। तो मैं भी ये चीज़ कहता हूँ कि एक चीज़ जो 12 लाख में मिल रही थी, आज वो 24 लाख में 10 साल बाद मिली, वही चीज़ कोई चेंजिंग नहीं, एक सिर्फ थोड़ा सा इंटीरियर का शेड फर्क किया और कुछ भी नहीं। क्योंकि रेट्स तो कम आना चाहिए, लोगों की बजट से बाहर होती जा रही है गाड़ी, ये ख्वाब बनता जा रहा है। पहले तो ख्वाब था ही था, अब तो वाकई मुझे लगता है ख्वाब होता जा रहा है। एक बड़े वेल नॉन हमसे सीनियर इस काम में, उन्होंने ये कहा था कि जहाँ तक मेरी प्रडिक्शन है कि 2019 में ऑन ख़त्म हो जाएगा, तो मैं उनको यही कहूँगा कि सर ऑन तो ख़त्म हो गया मगर हमारी पहुँच से भी गाड़ियाँ बाहर हो गई। जहाँ तक रेट्स अब जा रहे हैं, हर वो खुद अपने वीकली में ही कहते हैं कि 8 महीने से हम वीकली कर रहे हैं, हर वीकली में पता नहीं कितने रेट्स बढ़ चुके हैं। तो यही बात है कि रेट्स पर रेट्स बढ़ते जा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये छोटी सी न्यूज़ पसंद आई होगी, और पसंद है लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बागडेल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।